और हमारे विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब और यहाँ के प्रभारी आरपीएन साहब और पूरी टीम कांग्रेस की हम थोड़ी जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं। बड़ी सहजता से और सरलता से हम लोगों को स्वीकृति उन्होंने दी। और आपको यह बताऊं कि आलमगीर आलम साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष ने लिखित रूप से भी विधानसभा अध्यक्ष को करवा दिया है, उन्हें हमने कांग्रेस में इनके विलय को स्वीकार किया है और अपनी सहमति दी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हम सब ने विगत 10 वर्षों में एक लंबी लड़ाई लड़ने का प्रयास किया है, उस मुकाम पहुंचे भी है, मुकाम अधूरा भी है। और हम सबों ने इस कांग्रेस मंच को बेहतर बनाना है और मुझे विश्वास है दोनों को आदरणीय बंधु जी और हम लोग जिस लड़ाई को लड़ते हैं वो लड़ाई है झारखंडी नौजवानों का हक दिलाने का, जहाँ के दलित पिछड़े आदिवासी दोनों जातियों को हक दिलाने का, वो जो अधूरी लड़ाई है कि वर्तमान सरकार और कांग्रेस का मंच हमें लगता है किसी मुकाम तक पहुँचाएगा और उस लड़ाई को हम अंतिम लड़ाई तक पहुँचा पाएंगे। चंद्र लाइट जला दिए देखिए, आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, प्रदीप यादव सबका पसंद ना पसंद नहीं हो सकता, एक व्यक्ति सबके पसंद नहीं हो सकता। आप तो थोड़े इतिहास के पन्नों को यदि पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में आएगा कि पूरी दुनिया में जिसे बापू के नाम से लोग जानते हैं, जिन्हें पूछते हैं, जब वो कांग्रेस के संरक्षक थे उस समय उनके विचारों में भी भिन्नता थी, उनसे भी लोग एतराज जताते थे। सुभाष चंद्र बोस उनके विरोध में आकर के अपना चुनाव लड़े, कई चीजें सामने थी। तो ये चीजें जब लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, जहाँ तानाशाह नहीं रहेगा वहाँ तो विचारों की भिन्नता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह जो विचारों की भिन्नता आपको थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो थोड़ी विचारों की भिन्नता रहेगी, पसंद नापसंद रहेगा। लेकिन मेरा यह प्रयास होगा कि हम सबकी पसंद बनने का प्रयास करें अपने प्रयासों से। सब लोग जितने 81 विधायक है सब मेरे सामने रहेंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे, जनता की बातों को रखेंगे, किसी से वहाँ व्यक्तिगत को हमें कोई मल युद्ध करना है नहीं, हम जनता के सवालों को लेकर रहेंगे, उनके समाधान का प्रयास करेंगे। थैंक यू। कोई लेगा ना जी, वहीं से लेना है सबको। अरे राजा कम्प्लीट।